Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. These are the people that she and Biden led into our country, and they're destroying our country. अमरीका में सदारती उम्मीदवार का पहला धुआंधार मुबाहिसा, इल्जामात की बौछार। कामला हैरिस बोली, ट्रंप का दौर वापस नहीं चाहते, इनके पास कोई प्लान नहीं था, हर तरफ अफरा-तफरी थी, रिकॉर्ड बेरोजगारी छोड़ गए। जमहूरियत पर सिविल वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेरे दौर में मुतवस्सित तबका खुशहाल था, अब महंगाई है। बाइडन और कामला ने मुल्क तबाह किया। इमिग्रेशन पॉलिसी पर कहा, अब दहशत गर्द और मुजरिम अमरीका आ रहे हैं। इस्लामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का डीजी तो आके किसी को नहीं उठा सकता ना, या महकमा मौसमियात का डीजी आके लोगों को कौमी असम्बली से उठा रहा हो। और किसके पास क्या ताकत है कि नकाबपोश लोग आके वीगो डालों में उठाएं, साथियों को उठाएं, MNAs को उठाएं, बाकी लोगों को उठाएं। पार्लियामेंट से किसने लोगों को उठाया, क्या ये कोई खलाई मखलूक थी? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सवाल। कहा, अली अमीन गंडापुर कहीं और नहीं, सरकारी तौर पर मुलाकात के लिए गए थे। असद कैसर बोले, कोशिश करेंगे आज असम्बली पहुंच जाएं, हुकूमत सिर्फ एक शख्स को फायदा देने के लिए बिल ला रही है। बैरिस्टर सैफ का कहना है, जाली हुकूमत कुछ भी कर ले, गैर कानूनी तरमीम पास नहीं होने देंगे। जाली वुजरा 9 मई ड्रामे पर मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करें। कुछ लोग दुश्मन बयानिए को, नफरत के बयानिए को खरीद कर फिर बेच रहे हैं। कौम जानती है जेल से नफरतों का बयानिया कौन परवान चढ़ा रहा है। बैरूनी ताकतों के अहलकार मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। गवर्नर कामरान टेसोरी के मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू। कहा, 9 मई जैसे वाक़यात पर हम शर्मिंदा हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, मुंतखब वज़ीर आला ने जो जुबान इस्तेमाल की उसका सिर्फ एक शख्स हामी है। 2018 में जिसे हुकूमत दिलाई गई वो सिर्फ मुल्क की तबाही चाहता है। चीफ जस्टिस की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस डॉक्टर मुश्ताक अहमद की जानिब से एलामिया जारी। कहा, सहाफ़ी के तौसी से मुतालिक सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा, कई माह पहले वजीर कानून चैम्बर मुलाकात के लिए आए थे। बताया, हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मियाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने सहाफ़ी के जवाब दिया कि अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो कबूल नहीं होगी। मुलाकात में अटॉर्नी जनरल जस्टिस मंसूर भी मौजूद थे। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। सदर मुमलिकत ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दी। वजारत कानून और इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस के लिए 1 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस फोर्स को बॉडी कैम लगाने और अहलकारों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां और बुलेट प्रूफ जैकेट्स देने का हुक्म। अमन अमान से मुतालिक इजलास में सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की तश्कील 9 और जदीद ट्रेनिंग की भी हिदायत। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस और तबाहाल कौमी एयरलाइंस। PIA जो कभी कौम की शनाख्ती या बाइसे शर्मिंदगी बन गई, कौमी एयरलाइन खजाने पर नाकाबिल बर्दाश्त बोझ बन गई। मुसलसल खसारे और ऑपरेशन मसाइल का शिकार। न सर्विस बेहतर हुई, न खसारा काबू में आया, न निजकारी हो रही है। पहले फवाद हसन फवाद कुछ न कर सके, अब अलीम खान भी बेहतरी लाने में नाकाम। मुलाजमीन की अदम दिलचस्पी ने इसे मजीद तबाही के गड्ढे में डाल दिया। आज भी मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 13 मुल्की और गैर मुल्की परवाजों में ताखीर। रहीम यार खान में गैरत के नाम पर फायरिंग, 5 अफराद कत्ल, मुलजमान फरार। पुलिस के मुताबिक कोश कबीले के एक ग्रुप ने गैरत के नाम पर दूसरे ग्रुप पर फायरिंग की। वजीर आला मरीम नवाज का रहीम यार खान का नोटिस, IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का 76वां यौम वफात। गवर्नर और वजीर आला सिंध की सूबाई काबीना के अरकान के हमरा मज़ार पर हाजिरी, फातिहा खानी की फूल भी रखे। अजीम कायद के सुनहरे उसूल आज भी कौम के लिए मशल राह हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को मौलाना जहरुद्दीन ने कायदे आज़म का लक़ब दिया। उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में मुसलमानान हिंद ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया और अंग्रेज़ों के तसल्लुत से छुटकारा पाया।